एक बहन एक भाई से कहती है, जाते बड़ा भैया तू हर सीमा पे लड़ाई में, जाते बड़ा भैया तू हर सीमा पे लड़ाई में, अब राखी बांधी दी तोहरा कलाई में, अब राखी बांधी दी तोहरा कलाई में, चाहे जान चले जाए देश के भलाई में, अब राखी बांधी दी तोहरा कलाई में, अब राखी बांधी दी तोहरा कलाई में। बहुत खूब जो है कि यह वीर रस का ही गाना है, जो कि जब जवान जाता है जो है कि लड़ाई के मैदान में, तो उसी समय रक्षाबंधन है और उसी रक्षाबंधन के पर यह गीत बन गया है और बहुत ही दर्द भरी गीत है। आप लोग हमारे भैया सूरज ऑफिशियल जी को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह है चैनल तो जाकर पूर्वांगल समय पे वीडियो है, लेकिन ये जो भी कुछ गा रहे हैं ये अपने ही चैनल के माध्यम से गा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनको ही लाड प्यार मिलना चाहिए और न कि हमको, हम तो बस एक प्रचार प्रसार के माध्यम है। नहीं नहीं सही है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आप ही लोग वो जरिया हैं जो कलाकार को आगे बढ़ा सकते हैं, आप ही लोग के माध्यम से कलाकार आगे निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई कलाकार गाँव में है, उसके अंदर एक अच्छा कलाकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से मार खा जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप लोग का बहुत सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहेगा कि आप लोग उस कलाकार को आगे बढ़ाइए और लोगों के बीच में लाइए, उससे प्यार मोहब्बत काफ़ी लोगों का है, कला आप सबके बीच में दिखाएं और आगे निकले और अपने गांव का नाम आगे। एक छोटा सा यदि आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको छोटा सा टिप्स दे रहा हूँ कि यदि जानते हैं तो गाइए और बताइए। आज के समय पर जो है कि लोग परिवार से ज़्यादा सोशल मीडिया पे समय दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान नहीं, लेकिन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ध्यान है। मैं क्रिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि लोग मोबाइल चल जो हाथ मोबाइल लेके जो उसे घंटा रहते हैं और खाना खाते समय भी चालू रहता है, पढ़ाई लिखाई का जी जी बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मतलब सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। बाकी अगर किसी के अंदर कुछ हुनर भी है तो सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये हुनर है, हमारे अंदर ये कलाकारी है, ताकि लोग पसंद करें आपको और फिर आप आगे बढ़ें। नहीं नहीं ये तो क्रिएटर की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों को कि जो है कि सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल सबके घर में, कहीं कहीं अगर 5 परिवार हैं तो 4 मोबाइल जरूर उनके घर में है, तो लोग कहीं पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न दे करके और मान लीजिए अभी मोबाइल लेकर भी घूम गलत गलत इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अभी घर के सामने जो है कि घास उपज गया है, उसको छीलने काटने की जरूरत नहीं है, बस मोबाइल देखने की जरूरत उन लोगों को है, और जो घास भूसा नहीं काटते हैं, सब सफाई नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि सांप आ जाते हैं और तमाम कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। इन सभी चीज़ों पर आपको वीडियो बना के डालना पड़ेगा आपके चैनल पर, पारिवारिक जी बिल्कुल डालेंगे, काम करने पढ़ाई लिखाई की कहेंगे कि जितने भी लोग आजकल के युवा हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पे कम होकर अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। और बाकी ये भी सही है कि सोशल मीडिया पर आप लोग एक्टिव हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समय अपने पढ़ाई पे दें, अपने कैरियर पे फोकस करें। और मैं आपकी मतलब कोई ज़्यादा उम्र की तो बात नहीं है इसमें, लेकिन जो अभी 24 बच्चों की माँ वाली वीडियो वायरल चल रही है, वो तो कहाँ तक सच हो सकती है, कुछ बता सकते हैं? देखिए इसमें तो हमको उतना नॉलेज है नहीं, लेकिन ये हमको असंभव लगता है, ये सही नहीं है, लेकिन अब